नमस्कार किसान भाइयों, मैं पंकज शर्मा कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम से। आज हम पशुपालन में जो लागत बढ़ रही है उस पर बात करेंगे। पशुपालन में जो पशुओं के गाय भैंस और अन्य पशुओं के चारे में जो लागत आती है, उस लागत को कैसे कम किया जा सके, तो उसका एक छोटा सा रूप मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बहुवर्षीय चारों को हम हमारे यहाँ खेतों पर, हमारे यहाँ फार्म पर, हमारे यहाँ प्रक्षेत्र पर लगाएँ, जिससे एक बार लगाने से कई बार तक उसको काटा जा सके। बहुवर्षीय चारे कई प्रकार के होते हैं अलग अलग, जिसमें से मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ वो गन्ना ग्रास है। गन्ना ग्रास जो होता है कि एक बार लगाने के बाद उसको कई वर्षों तक कई बार उसकी कटिंग हो सकती है। गन्ना ग्रास को आप देखेंगे, अभी जो ये गन्ना ग्रास है कई बार इसकी कटिंग हो चुकी है, अभी फिर से ये कटिंग के लिए तैयार है और अच्छी हाइट लेता है, अच्छी ब्रांचिंग होती है, अच्छी शाखाएं निकलती हैं और पशुओं के लिए एक अच्छा चारा ये होता है। इसको हम 4x4 4 फीट प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी, 4x4 पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर हम इसको लगा सकते हैं। 5x5 पे भी लगा सकते हैं, 6x6 पे भी लगा सकते हैं। जितनी अधिक दूरी रहेगी उतनी अधिक ये इसकी ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस निकलेंगी, जितनी शाखाएँ निकलेंगी उतना हमको चारा प्रतिवर्ष मिलता रहेगा। कई बार तक इसको काटने का उद्देश्य ये है कि अगर हम इसको कई वर्षों तक काटते हैं तो हमें बार बार चारा लगाना नहीं पड़ता है, बार बार चारे का बीज लगाना नहीं पड़ता है। लगाने की पद्धति इसकी साधारण सी, इसकी जो तना होता है वही हम लगाते हैं, एक एक तने की जो ब्रांचेस होती हैं उनको हम लगाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आप लोग स्टेम देखेंगे, इस स्टेम को लगाना रहता है, ये जो आप स्टेम देखें इसको, स्टेम को लगाना रहता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अधिक से अधिक गन्ना ग्रास को लगाएं और अपनी जो पशुपालन में जो लागत आ रही है उसको कम। इसकी उपलब्धता कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में उपलब्ध है। जिस किसी किसान भाई को भी अपने यहाँ लगाने में रुचि रखते हों, वो कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर जिला नर्मदापुरम में आकर संपर्क करें और इसको अपने यहाँ लगाकर पशुपालन की जो लागत बढ़ रही है उसको कम करें। धन्यवाद।